हाथरस सिकंदरा राव क्षेत्र में यथाकथित भोले बाबा प्रांगण में भगदड़ के दौरान मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मशांति हेतु यमुना जी पर दीपदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हाथरस सिकंदरा राव क्षेत्र में यथाकथित भोले बाबा सत्संग प्रांगण में श्रद्धालुओं की 150 से अधिक भगदड़ के दौरान हुई मौत से व्यथित हिंदूवादी दिनेश शर्मा सहित पदाधिकारी ने यमुना किनारे श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा शांति की कामना की। इस अवसर पर हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुत ही विकराल घटना है, इस घटना से संपूर्ण भारतवर्ष दुखी है। यमुना महारानी के आंचल में श्रद्धांजलि दी है, दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की है। इसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर यमुना शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला गुंजन शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी ऋचा शर्मा ने कहा कि प्रशासन को चाहिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और यथाकथित धर्मगुरु पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत हो। इस अवसर पर ठाकुर नरेश सिंह, हरिदास बाबा, राजेश शास्त्री, राजेश पाठक, अश्विनी शर्मा, प्रमुख रूप से भारती आचार्य, राधा शर्मा, पूनम गोस्वामी, ओमवती, अनन्या प्रीति आदि लोग मौजूद रहे। इसमें जो असामयिक घटना हुई है उसमें लगभग 150 बच्चे, औरतें, आदमी काल के गाल में समा गए हैं। उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए हमने आज यमुना महारानी के यहाँ आए और यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। हमारी यमुना महारानी से यही प्रार्थना है, उन दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। हमारी यमुना महारानी से प्रार्थना है ऐसी घटना फिर कभी ना हो, ऐसा प्रशासन और शासन ऐसी व्यवस्था करे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हमारी सरकार से भी मांग है कि जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला दिया है, ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। और यमुना महारानी के इस प्रांगण में, यमुना महारानी के चरणों में हमने उन सभी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि रखी है। हाथरस में जो घटना हुई है सत्संग के दौरान, उसमें जो भक्त थे उनके साथ में गलत हुआ है और हम यमुना महारानी और भगवान कृष्ण से और यमराज महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति प्राप्त हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और भगवान से प्रार्थना है उन दिव्यांगत्वों को शांति प्राप्त हो और इसी प्रकार से कभी भी ऐसी घटना, दुखदमय घटना प्राप्त ना हो, ये अत्यंत दुखद घटना है। यहाँ श्रद्धांजलि देने आए जो कि हाथरस में सिकंदर राव के पास में 150 से लेकर 200 लोगों की जो असम्य मृत्यु हुई है उसके लिए हमें बड़ा दुख है। और इस हमारा हृदय झकझोर करने वाला वो हृदय है जिसको आगे तक कभी देखा नहीं होगा। और इस तरह की जो घटना हुई है वो कभी आगे ना हो, इसलिए हम आज यमुना मैया के घाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और उनकी आत्मा शांति के लिए भगवान उनको आत्मा शांति दे और अपने अपने चरणों में स्थान दे। जय बाबा। सत्संग प्रांगण में जो कल जो घटना हुई है वो बहुत ही खतरनाक घटना है और इसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसी हमने यमुना जी के घाट पर आकर के कामना की है। और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यहाँ हमने दीपदान किया है। प्रभु इन दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हमने ये भी कामना की है यमुना महारानी से, भगवान श्री कृष्ण से, कि ऐसी घटना कभी भी दोबारा ना देखने को मिले। जय श्री कृष्ण। जय श्री। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.